सो स्टूडेंट वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और लास्ट लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टेस्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट टेस्टिंग हमने कर लिया था, ब्रेक टेस्ट हमने लास्ट में देखा था किस तरह से पुली सिस्टम रहता है। सो नाउ लेट अस कम टू इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में, जैसा कि हमारा नाम है, इसमें वी विल नॉट बी एक्चुअली लोडिंग द मशीन। सो वी विल फाइंड आउट द लॉसेस विदाउट एक्चुअली लोडिंग द मशीन। मशीन को, जैसे पिछले मेथड में आपने देखा, ब्रेक टेस्ट में हमने देखा था कि हमें मशीन को लोड करना पड़ रहा है, और उस चीज़ में क्या हो रहा था कि जो बड़ी कैपेसिटी की मशीन्स थी हमारी, उसको हम डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते थे। वो क्यों नहीं लोड कर सकते थे उसको, क्योंकि उसमें नेचुरली फ्रिक्शन लॉसेज इतने ज़्यादा हो जाने थे कि जो हीट डिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारी बेल्ट जो है वो बर्न कर सकती थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़ी मशीन होगी, हाई रेटिंग की मोटर होगी, तो हम उसको, उसके ऊपर जो टेस्टिंग करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। मतलब हम एक्चुअली उसको लोड ही नहीं करेंगे, राइट, वी वॉन्ट बी लोडिंग दैट मशीन। और हम लोग उसके लॉसेस फाइंड आउट करेंगे बिना एक्चुअली लोडिंग के। तो अगर आप लॉसेस अगर हमें मिल जाएं, तो इनपुट आउटपुट से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, राइट। सो इस इनडायरेक्ट मेथड में हम लोगों के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्विनबर्न टेस्ट, SWINBURNE, स्विनबर्न टेस्ट, राइट। और दूसरा टेस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉपकिंसन्स टेस्ट। Now these are the test which we will cover under indirect method of testing। और इन दोनों टेस्टों का ये है कि हम लोग मशीन को एक्चुअली लोड नहीं करेंगे। तो जब हम मशीन को लोड नहीं करेंगे, इसका मतलब these test cannot be performed on series motor। क्यों? क्योंकि सीरीज मोटर को हम बिना लोड के चलाते नहीं, वी कैनॉट लोड विदाउट लोडिंग भी, हम लोग सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बिना लोड के मोटर को स्टार्ट करेंगे तो डेंजरसली हाई स्पीड जो है सीरीज मोटर ले लेती है। तो इसीलिए सीरीज मोटर पे ये टेस्ट हम लोग जो है वो इनडायरेक्ट मेथड जो है सीरीज मोटर पे हम लोग नहीं करते, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम्स टू वन बाय वन। पहले हम एक कर लेते हैं, सो स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट में हम लोगों को क्या है, नेचुरली हम लोग, मैंने आपको बताया कि वी विल बी परफॉर्मिंग दिस टेस्ट ऑन डीसी शंट मोटर, क्योंकि सीरीज पे ये इसको पॉसिबल है नहीं। तो शंट मोटर है, तो शंट मोटर मैंने बता दी, ये आपकी शंट फील्ड है, ये आपका आर्मेचर है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस आर ए है, यहाँ जो करंट आ रहा है वो आई, बाद में इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। सो क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली लोड नहीं करना, सो व्हाट वी डू इज फर्स्टली दिस, ये नो लोड टेस्ट है, इट इज़ नो लोड टेस्ट, दैट मीन्स इस मशीन मोटर को मैंने लोड नहीं करना। और इसको हमने क्या करना है, वी रन द मशीन एट रेटेड स्पीड। हम लोग इस मोटर को रेटेड स्पीड पे चलाएंगे, ठीक है। सो लेट दिस करंट बी आई नॉट, क्योंकि नॉट से मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये नो लोड करंट है, राइट। सो यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा देता हूँ, इससे मैं इस करंट को मेजर कर लूँगा। उसके बाद मैं फील्ड में एक एमीटर लगा देता हूँ, इससे मैं ISH को मेजर कर लूँगा, ठीक है। और इससे मैं यहाँ पे IA नॉट, क्योंकि यहाँ भी मैंने नॉट लगा दिया, आर्मेचर करंट, तो ये एमीटर आर्मेचर करंट को मेजर करेगा, ये मेन करंट को मेजर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक वोल्टमीटर लगा दो जो कि इनपुट वोल्टेज को आपके मेजर करेगी। सो यहाँ पे वी विल बी गिविंग DC सप्लाई।
तो ये आपका डायग्राम बनेगा जो आपका नो लोड टेस्ट है। अब ये स्विमबर्न मशीन पे, इसको हम शंट मोटर मशीन को हम रेटेड स्पीड पे चलाएंगे। रेटेड स्पीड पे हम कैसे स्पीड कैसे वेरी कर सकते हैं, हम यहाँ पे शंट फील्ड की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस वेरी करके जो है इसको रेटेड स्पीड पे चला सकते हैं। ओके, अब रिलेशंस क्या क्या हैं इसमें देखो। इसमें आई नॉट है, दिस इज नथिंग बट नो लोड करंट जब लोड नहीं लगा हुआ है। आई एस एच जो है वो है फील्ड करंट, ठीक है। आई ए नॉट इज योर आर्मेचर करंट एट नो लोड, ए नॉट है ना ये, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई ए नॉट होगा क्या, आई ए नॉट विल बी नथिंग बट इट विल बी आई नॉट में से मैं आई एस एच को माइनस कर लूँ तो ये मेरा आई ए नॉट हो जाएगा, राइट। एंड वट इज नो लोड इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया कितना है आपने, यू हैव गिवन वी और यू हैव गिवन आई नॉट, तो ये आपने इनपुट दिया। अब ये इनपुट जा कर आई है, ये इनपुट जा रही है और कहाँ जा रही है, ये सारे के सारे जो है लॉसेस को मीट कर रही है। मतलब ये इनपुट जो भी लग रही है सब लॉस में चली जा रही है हमारी, क्योंकि हमने लोड कोई लगाया नहीं है मोटर में, ठीक है। तो सारी की सारी इनपुट लॉसेस में जा रही है, और लॉसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं हमारे, सबसे पहले तो आयरन लॉस हो रहे हैं, दूसरे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हो रहे हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट लॉस हैं, राइट। तीसरे जो चीज यहाँ पे हो रही है वो आर्मेचर पे कुछ कॉपर लॉसेस हो रहे हैं, ये सारे के सारे इनपुट कहाँ जा रही है, इन लॉसेस को मीट कर रही है, जिसमें ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट लॉस थे और ये आपका वेरिएबल लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब वी इंटू आई 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 नॉट अगर आप मेजर कर लो, वी आप मेजर कर लो, तो ये आपको ये सारे लॉसेस पता लग गए, और इन लॉसेस में अगर आप इस लॉस को माइनस कर दें तो जो आपके पास लॉस बचेंगे वो लॉस कौन से होंगे, वो लॉस होंगे आपके पास डब्ल्यू सी, ठीक है। तो डब्ल्यू सी क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी वी आई नॉट माइनस कॉपर लॉसेस, आर्मेचर के कॉपर लॉसेस क्या होंगे, आई ए नॉट स्क्वेयर, तो ये आ जाओगे आपके पास कांस्टेंट लॉस। सो मशीन आपने नो लोड पे चला के अल्टीमेटली व्हाट वी हैव फाइंडेड आउट बेसिकली इज योर नो लोड लॉस। तो नो लोड लॉसेस मुझे पता लग गए, उसके बाद मान लेते हैं मैं कोई मशीन लेता हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अ मशीन, ठीक है। ये शंट मशीन मैंने ली जो मेरे जिसका मेरे लोड करंट आई एल है, राइट। और यहाँ पे मेरा आई एस एच फील्ड करंट गया, यहाँ मेरा आई ए करंट गया, ये मेरा आर्मेचर यहाँ में आ रहे हैं, ये इसमें फील्ड करंट है, यहाँ मैंने वोल्टेज। अब सिंपल स्टेप से नो लोड पे मैंने मोटर चला के जो है डब्ल्यू सी निकाल ली है। अब मुझे कोई भी मशीन की जो है एफिशिएंसी निकालनी है। अब जैसे मैंने कोई ये मशीन है मेरी M1 है मान लेता हूँ, M1 मशीन में क्या है मेरे पास ये लोड करंट है, और इस लोड करंट पे मैंने एफिशिएंसी निकालनी है, राइट। सो इस लोड करंट पे जब मैंने एफिशिएंसी निकालनी है तो मेरे अब रिलेशंस होंगे क्या, ठीक है। मेरे रिलेशन क्या होंगे, आई एल इज माई लोड करंट, ठीक है, ओके। आई ए नॉट क्या होगा मेरा, आई ए नॉट नहीं है सॉरी, आई ए, आई ए क्या होगा, आई एल माइनस आई एस एच, ठीक है। अगर जनरेटर होता तो उल्टा हो जाना था, जनरेटिंग एक्शन के लिए आई एस आई ए प्लस आई एस एच वुड हैव बीन, ये दोनों ऐड होते तो आई एल बनना था, ठीक है, ओके। नाउ एफिशिएंसी निकालनी है इस मोटर की, मैंने M1 मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ,
इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, ठीक है। व्हाट इज माय इनपुट नाउ, वी इनटू आईएल मेरी इनपुट है, माइनस लॉसेस अपॉन वी इनटू आईएल, तो एफिशिएंसी क्या हो गई मेरी, यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, माय एफिशिएंसी विल बी वी इनटू आईएल माइनस, अब लॉसेस मैं निकाल चुका हूँ जो मेरे डब्ल्यू सी थे, ठीक है। और डब्ल्यू सी क्या था बेसिकली, डब्ल्यू सी वॉज नथिंग बट वी आई नॉट माइनस आई ए नॉट स्क्वेयर आर, ये था ना मेरे डब्ल्यू सी, ठीक है। सो डब्ल्यू सी या तो डब्ल्यू सी लिख लो या वी इंटू आई नॉट, ये आप निकाल सकते हो आई ए नॉट स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉपर लॉसेस हैं वो क्या निकलेंगे, वी इन टू आई एल माइनस, अब डब्ल्यू सी, अब कॉपर माइनस डब्ल्यू सी, और कॉपर लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, अरे यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट लॉस है, कॉपर लॉसेस क्या हो रहे हैं आई ए स्क्वेयर आर ए, एंड व्हाट इज आई ए, बेसिकली आई ए क्या है, ठीक है, राइट। सो इनपुट माइनस लॉसेस, आप इसको आप माइनस को बाहर लेके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय वी इनटू आई, सो विद दिस यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, ठीक है। सो दिस इज सिमल्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने मोटर को नो लोड पे चलाया और जो भी मोटर ने इनपुट लिया वो सारा का सारा लॉसेज में जाना है। तो उन लॉसेज में दो ही तरह के लॉस होते हैं, कॉपर लॉसेज होते हैं और एक कॉन्स्टेंट लॉस होते हैं। तो कॉपर लॉसेज क्योंकि करंट के साथ वेरी करते रहते हैं, तो वहाँ जो कॉपर लॉसेज आए मेरे आई ए नॉट स्क्वेयर वो मैंने माइनस कर लिए इनपुट से, तो मेरे पास जो वहाँ बचा था इनपुट में से डब्ल्यू, मैंने जो कॉपर लॉस माइनस कर दिया, जो बाकी बचे वो मेरे डब्ल्यू सी थे, तो वहाँ से मैंने डब्ल्यू सी निकाल लिए बेसिकली, ठीक है। तो कांस्टेंट लॉस मेरे आ गए, इनपुट मेरा आ गया इनपुट माइनस लॉसेस, और इसमें वेरिएबल लॉसेस मेरे माइनस, यहाँ पे वेरिएबल लॉसेस भी कर सकते हैं या कॉपर लॉसेस भी लिख सकता हूँ। और कॉपर लॉसेस आई ए स्क्वेयर आ रहे, आई ए है क्या बेसिकली, आई एल में से आई एस एच निकाल लिए तो आई ए आई एस एच स्क्वेयर, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय बाय दिस सिंबल्स मेथड द एफिशिएंसी। तो आपने मोटर को लोड नहीं किया, सिर्फ आपने नो लोड पे चलाया और आपने किसी भी लोड के लिए आपकी एफिशिएंसी, आपके मान लेते हैं 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर के लिए शंट का करंट निकाल लो, यहाँ पे 200 वोल्ट है, शंट का करंट निकाल लो, शंट का करंट मान नेचुरली मान लेते हैं 50 है, ठीक है। तो 4 एम्पियर आ गया, तो 20 में से 4 गया, तो यहाँ 16 आया, तो 16 एम्पियर के अकॉर्डिंगली आइए आ रहे निकाल लो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज योर सिंबल्स टेस्ट, सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।